नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी से बचाव के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र वैक्सीन को लेकर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर के चिमन बाग मैदान पर ड्राइव एंड वैक्सीनेशन का सेंटर प्रारंभ किया गया है, जिसका निरीक्षण प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने किया। इस दौरान मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, इसके लिए विधानसभा 3 में 3 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया है कि फिलहाल इस सेंटर पर 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में 18 प्लस वालों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया है कि इस सेंटर पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों में सवार लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। चूंकि बारिश का समय है, जिसके लिए फोर व्हीलर में ही लोगों को सुविधाजनक टीकाकरण करने की व्यवस्था रखी गई है। हालांकि विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये विधानसभा 3 में किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही पूरे इंदौर में इस तरह के वैक्सीन सेंटर खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। दरअसल कोरोना के बचाव के लिए केवल वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि आकाश विजयवर्गीय द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें शहर के हर तबके को वैक्सीनेशन किया जाएगा। चूंकि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, इसके लिए शासन प्रशासन सभी को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के विधायक आकाश जी के सानिध्य में जो इस आपदा, इस संकट, इस महामारी कोविड की सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वैक्सीन, क्योंकि आकाश जी के सानिध्य में होने के कारण सबसे जो वैक्सीन लगाना है छूट गए, सब वैक्सीन लगा और अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की और अपने इंदौर और अपने मध्य प्रदेश, अपने राष्ट्र। सर जूनियर डॉक्टर, धन्यवाद देता हूँ उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से जो 47 साल से ऊपर है उनको वैक्सीन यहाँ लग रही है, और टू व्हीलर और फोर व्हीलर, ये वाकई में जो इस बीमारी का, इस महामारी संकट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो वैक्सीन है। ये लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सब आए थे। अब इस सबका जवाब हमारे आकाश जी देंगे। देखो, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है कोरोना के खिलाफ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगेगी, उतना अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने क्षेत्र में हर वार्ड में कम से कम 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर हो, 18 प्लस के भी, 45 प्लस के भी, और उनकी प्रॉपर लोगों को जानकारी हो, इसका प्रयास तो हम लोग कर ही रहे थे। साथ ही साथ आज हमने ड्राइव थ्रू, क्योंकि लोगों के पास समय की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, बारिश का भी सीज़न है, लोग अपने वाहन से ही आ सकते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर से। वाहन पे बैठे बैठे ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वाहन में बैठे बैठे ही उन्हें वैक्सीन लगेगी। ऐसी व्यवस्था इंदौर के ऐतिहासिक चिमन बाग मैदान में हम लोगों ने जमाई है। कहने को तो ये विधानसभा 3 में है, मगर हम पूरे इंदौर को आमंत्रित करते हैं वो आए और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। अभी यहाँ पे जो सुविधा है ये 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है, और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे 18 प्लस भी प्रारंभ करें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।